बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में ये बोला है हाउ मेनी वेज वर्ड्स कैन बी अरेंज्ड, मतलब ये कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं, इनको कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं वो निकालो। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करते हैं नेपाल से। नेपाल अभी देखिए हमने थोड़ा देर पहले देखा कि बेसिक टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, और मैंने तब वो भी बोला था रिपीटेशन नॉट अलाउड का ही केस कंसीडर करो, अनटिल एंड अनलेस रिपीटेशन अलाउड स्पेसिफाइड नहीं है, यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं किया गया, इसलिए हम रिपीटेशन नॉट अलाउड इसी कैटेगरी को फॉलो करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए नेपाल में कितने अल्फाबेट्स है, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या इसमें कोई भी अल्फाबेट रिपीट हुआ है? नहीं, तो मतलब सिंपली व्हाट इज द आंसर, 5 फैक्टोरियल। अगर आप लोगों ने वो 9 फैक्टोरियल तक का आंसर रटा नहीं होगा तो आपको एग्जाम में 5 फैक्टोरियल का आंसर निकलने में बहुत टाइम जाएगा, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं दूंगा, यहाँ तक भी आप पहुंच गए मोर देन सफिशियंट, द रेस्ट इज सिंपली मैथमेटिक्स। ठीक, अगर आपका आंसर वेरीफाई करना है तो नीचे में पीडीएफ अटैच किया है, उसमें सारे आंसर्स आपको मिलेंगे, पर मैं चाहता हूँ कि आप खुद इस आंसर को निकालें, बाद में हम हमारे आंसर्स वेरीफाई करें। ठीक, नेक्स्ट एजुकेशन। एजुकेशन में कितने अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आ गया 9 फैक्टोरियल। डिवीजन में कोई अल्फाबेट है क्या रिपीट हुआ? ई नहीं है, डी भी नहीं है, यू भी नहीं है, सी भी नहीं है, ए भी, मतलब कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हुआ, तो 9 फैक्टोरियल का आंसर। बड़ा ही सरल था, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लेवल बढ़ाते हैं। महाराष्ट्र काउंट किए टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देयर आर टोटल 11 अल्फाबेट्स। ठीक, मतलब इसको हम 11 फैक्टर के तरीके से अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं। पहला, यहाँ पे कौन कौन से लेटर्स अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं उनको देखो। यहाँ पे हम जानते हैं कि ए रिपीट हो रहा है, आर रिपीट हो रहा है, और कौन सा रिपीट हो रहा है, एच रिपीट हो रहा है, और कोई हो रहा है देखते हैं। देखिए ए कितनी बार आया है, 1 2 3 4, ए कितनी बार आया, 4 बार। क्लियर, आर कितनी बार आया है, 1 2 2 बार, बराबर 2 बार आया। एच कितनी बार आया, 1 और 2 2। क्या इनमें से और कोई वर्ड रिपीट हो रहा है? नहीं, एच एक, एम एक बार आया है, एस एक बार आया, टी एक बार आया, मतलब इसके अलावा और कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा, तो भी आंसर कैसे लिखे, क्योंकि बेसिक वाले इसमें सिर्फ एक ही अल्फाबेट रिपीट हो रहा था। अगर नंबर ऑफ अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं तो कैसे सॉल्व करें? देखो टोटल कितना था, 11 अल्फाबेट्स, इसलिए 11 फैक्टोरियल्स। अब जो अल्फाबेट जितने भी बार रिपीट हो रहा है उतना उनका फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया उसका आंसर। समझिए 11 फैक्टोरियल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल अल्फाबेट्स का फैक्टोरियल। अगर इनमें कोई भी अल्फाबेट एक हो, एक से ज्यादा हो, जो भी अल्फाबेट रिपीट हो रहा है उसका रिस्पेक्टिव फैक्टोरियल। अब यहाँ पे ये 4 फैक्टोरियल क्यों लिखा, क्योंकि इस स्पेलिंग में, महाराष्ट्र के स्पेलिंग में ए 4 बार आया है, 2 फैक्टोरियल क्या इंडिकेट कर रहा है, आर, आर कितने बार आया, 2 बार आया, सिमिलरली एच कितने बार आया, 2 बार, तो ये रहा इसका आंसर। क्लियर, लास्ट इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी 11 अल्फाबेट्स का स्पेलिंग है, लिख दिया। अब यहाँ पे इंजीनियरिंग के स्पेलिंग में कौन कौन से अल्फाबेट रिपीट आ रहे हैं पहले उनको आइडेंटिफाई करते हैं। शुरुआत करते हैं ई से, रिपीट हुआ है, क्लियर। बाद में एन, वो भी रिपीट हुआ है, जी, जी भी रिपीट हुआ है, आई, आई भी रिपीट हुआ है, क्या इसके अलावा और कोई है? नहीं है, तो देखिए ई कितने बार आया है, 1 2 3, बराबर, इंजीनियरिंग में ई कितनी बार आया, 3 बार आया। एन कितने बार आया है, 1 2 3, ये भी 3 बार आया। जी कितने बार आया है, 1 और 2 2 बार आया। आई ये कितने बार, ये भी 2 बार। ठीक है, तो ये 11 फैक्टर क्या इंडिकेट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। रिपीटेशन में ई कितनी बार आया, 3 बार, तो इसलिए 3 फैक्टोरियल। रिपीटेशन में एन कितने बार आया, 3 फैक्टोरियल। जी 2 फैक्टोरियल एंड आई अगेन 2 फैक्टोरियल, तो ये रहा इंजीनियरिंग का आंसर। और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपका खुद का नाम, मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का, किसी का भी नाम लेके आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये रहा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, और बढ़ते क्वेश्चन 2 की तरफ।